और चलिए अब आपको सरस मेले के कुछ रंग दिखाते हैं। 12 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश के 22 राज्य शामिल हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों ने अपनी स्टॉल्स लगाए हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। हाथ से तैयार की गई अलग अलग कलाकृतियां, घर की सजावट का सामान, महिलाओं के श्रृंगार वाले आभूषण व अलग अलग संस्कृति के रंग। तस्वीरें बठिंडा के सरस मेले की हैं। 12 दिन तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका ने किया। देश के 25 प्रदेशों के कारीगर हाथों से तैयार की गई कलाकृतियां लेकर मेले में पहुंचे हैं। 250 स्टॉल्स पर अलग अलग तरह का सामान सजाया गया है। मेले का उद्घाटन करने पहुंचे सिकंदर सिंह मलूका ने कहा कि इस मेले में सिर्फ कलाकृतियां ही नहीं, बल्कि ये मेला देश को जोड़ने का काम भी करता है। सारस मेले दे नाल सारे हिंदुस्तान दे लोकां नूं जुड़न दा मौका मिलदा है। सारे हिंदुस्तान दीआं कलाकृतियां वख-वख तरह दीआं चीज़ां बणीआं होईआं वेखण दा मौका मिलदा है। कला, सभ्याचार, सभ्यता एक दूजे नूं नेड़े जाणन दा मौका मिलदा है। अलग अलग प्रदेशों से अपना सामान लेकर पहुंचे कारीगरों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि लोग खरीदारी को लेकर भी ऐसे ही उत्साह दिखाएंगे। गुजरात के आइटम लेकर आए, बेडशीट्स, कुशन कवर, वॉल हैंगिंग और सूट वगैरह, जो आजकल सभी कहते हैं कि गुजरात के सूट लेकर आओ, लहंगा चुनी लेकर आओ, हमने खुद ही बनाकर और हम यहाँ पर ड्राई फ्लावर का लगा रहा हूँ और यहाँ बेचने के लिए आया, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं बहुत खुश होगा। वहीं मेले में आए लोग भी हाथों से तैयार की गई अलग अलग तरह की कलाकृतियां देखने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हाँ जी, असीं बहुत एक्साइटेड सी, साडे फेस्ट्री च मेला लग गया। इत्थे हर तरह दे, मतलब स्टेटां दे हैगे ने चीजां जिस देखणा आ, सानू बहुत अच्छा लगा। बठिंडा में दूसरी बार सरस मेले का प्रबंध होने पर सिकंदर सिंह मलूका ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही लोगों को अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा गिनती में यहाँ पहुंचकर दूसरे प्रदेशों से आए कारीगरों का हौसला बढ़ाएं। गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।